हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आपको याद है ये जो कॉयर है, ये बहुत पहले मैं लेकर आई थी नर्सरी से, पर मुझे पता नहीं था इसको लगाते कैसे हैं। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा रीड किया, स्टडी किया, और जब मुझे पता चल गया कि हाँ किस तरह करना है, उसके बाद ये मैंने अब लगाई है। देखिए कितने दिन हो गए, 2-1 हफ्ते तो हो गए होंगे। कुछ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने गूगल किया, मुझे पता चला इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह इसको लगाना चाहिए, तो फाइनली मैंने ये लगा लिया। मनी प्लांट वगैरह के लिए या ऐसे कोई भी प्लांट्स जो बेल वाले होते हैं ना, आप भी ज़रूर लगा लेना। इसे मॉस कहते हैं और ये बहुत अच्छी होती है। इससे ना प्लांट आपका ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है। और उसको 3-4 दिन अगर आप बिना पानी के भी छोड़ना चाहें ना, तो ये मॉस इतनी वेट और ह्यूमिड रहती है कि आप मतलब 3-4 दिन के लिए बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं तो बोलूँगी आप ज़रूर लगाइएगा अगर आपके पास मनी प्लांट वगैरह है तो। मुझे है ना आज बाल शैम्पू करना है, और मैं सोच रही हूँ कि शैम्पू करने से पहले अच्छी तरह से बालों को तेल लगा लूँ, अच्छी तरह से चम्पी कर लूँ। वैसे भी विंटर्स में आपने महसूस किया होगा कि एक तो डैंड्रफ की इशू बहुत बढ़ जाती है, ऑल्सो जो स्कैल्प है ना वो थोड़ी इची इची फील होती है। तो इसलिए हमेशा शावर से पहले आप ज़रूर से ऑयलिंग कर लीजिए। और मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ आज मामा अर्थ का न्यू लॉन्च, उनका टी ट्री हेयर ऑयल। इसके अंदर है टी ट्री और जिंजर ऑयल के गुण। जो टी ट्री ऑयल होता है ना, ये आपके डैंड्रफ पे काम करता है, उसे कंट्रोल करता है और आपके बालों की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है। और इसमें है जिंजर ऑयल भी। जिंजर ऑयल हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है, स्कैल्प इन्फेक्शन जो है उसे भी ट्रीट करता है और जो इचनेस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। मामा अर्थ टी ट्री हेयर ऑयल इज द अल्टीमेट आंसर टू डैंड्रफ। इट हैज टी ट्री ऑयल एंड जिंजर ऑयल दैट हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज दैट जेंटली ट्रीट्स द स्कैल्प एंड बैनिश डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया। और ये टी ट्री हेयर ऑयल के साथ साथ 3 और हेयर ऑयल है जो मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बाय द वे, मामा अर्थ का जो हेयर ऑयल है ना, दिस कम्स विद दिस काइंड ऑफ कोम्ब एप्लीकेटर। इस तरह का बॉटल होता है जिसके साथ ये कोम्ब एप्लीकेटर आता है। आपको ये जो कैप है रिमूव करना है एंड ये लगा देना है। उसके बाद फिर आप आपके बालों को सेक्शन कर करके तेल लगाइए और अच्छे से मसाज कीजिए। तेल लगाने का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है एंड बहुत ही अच्छे से आपके रूट्स तक तेल पहुंचता है। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये हेयर ऑयल फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प के लिए, बट अगर आपका कोई दूसरा समस्या है तो हर एक समस्या के लिए मामा अर्थ हैज गॉट 1 हेयर ऑयल। मामा अर्थ ब्रिंग आमला हेयर ऑयल कम्स विद द गुडनेस ऑफ भृंगराज एंड आमला। इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट्स ग्रेइंग of hair and strengthens hair follicles. Mama Earth onion hair oil comes with the goodness of onion oil and rudensil. It boosts hair growth, gives strength and shine, nourishes scalp. And Mama Earth's argan hair oil comes with the goodness of argan and avocado oil. It reduces frizz, deeply nourishes hair and promotes healthy hair growth. Pick one for your particular hair concern. In sabhi products ko khareedne ke links main rakh dungi video ke description box mein. Also aapke liye rahega mera ek special discount code which is neelam2021, jiska istemal jab aap Mama Earth ki official website pe karte हो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है अमेजोन और नाइका पर भी, पर वहाँ पे ये डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल नेचुरल एंड केमिकल फ्री, दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड क्लिनिकली अप्रूव्ड। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड, नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट दे मेक बट ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामा अर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ऑल्सो जो भी प्लांट उन्होंने लगाया है ना, उसकी फोटो, जियोलोकेशन, स्पीशीज, वो सभी वो आपको मेल के थ्रू बता देते हैं। तो इस तरह से जब आप मामा अर्थ से परचेज करते हो, ना सिर्फ आपके स्किन और हेयर के लिए अच्छा कर रहे हो, बल्कि यू आर एडिंग बैक टू द नेचर टू। मामा अर्थ इज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम पीटा, इज क्रूल्टी फ्री, और इनको मिला है ब्यूटी विदाउट बनीज का सर्टिफिकेट भी। और ये देखिए खुशी का मिया, खुशी खुशी हाँफ रही है। खुशी को अभी उसके सर ने बुलाया था, उसको कल यूनिफॉर्म नहीं दिया था ना, तो ये तो शानू का है ना। हाँ। इसका यूनिफॉर्म आज मिल गया, शी इज सो हैप्पी। हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं भी सबकी तरह यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगी। हाँ, कल एक्चुअली इसके सर यूनिफॉर्म लेकर आए थे 3 बच्चों का, अब 6 में से बस 3 ही रह गए हैं ना। हाँ। बाकी 3 बच्चों ने आना बंद कर दिया है, तो ये 3 बच्चे लोग के लिए यूनिफॉर्म कल लेकर आए थे इनके सर। बट खुशी का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फिट का इशू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस से
यू नो मेजरमेंट लेके जाता हूँ, कल फिर बनवा के लेकर आऊंगा, मतलब कल उस साइज का लेकर आएंगे। तो आज वो लेकर आए हैं और फिर उन्होंने ही उसको बुलाया था कि खुशी अपना ड्रेस लेके जाओ और पहन के आना आज। बाय द वे इनके कराटे के क्लासेस रिज्यूम हो चुके हैं, आई होप आप समझ ही गए होंगे इनको देखकर। और अभी दोनों बच्चे हैं व्हाइट बेल्ट। खुशी इज सो हैप्पी, कल शी वॉज फीलिंग अ लिटिल लो, उसको पता था कि साइज का इशू हो गया, कल मिल जाएगा, बट स्टिल वो दोनों बच्चे पहन के घूम रहे थे ना, तो खुशी वॉज फीलिंग कि मैं लेफ्ट आउट रह गई। कल एक्चुअली चार में से ना मैंने और एक और लड़की ने नहीं पहना था, उसकी एक्चुअली है चार बच्चे। तो उस लड़की अच्छा, के पास वो बहन भाई में से भाई ने आना बंद कर दिया, बहन आती है। हाँ राइट। तो जो वो एक जो दूसरी लड़की थी उसके पास है कराटे की, पर वो स्कूल की है, वो से छोटी आती है, और उसके पास नहीं थी और ना ही मेरे पास थी, सालवी और एक और दूसरी लड़की की आ गई थी। तुम भाग के गई हो, भाग के आई है, यू आर पैंटिंग लाइक अ हॉर्स। चलो पहन लो फिर अपना यूनिफॉर्म एंड गो फॉर योर कराटे एग्जाम। वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। योर सर इज वेरी हैप्पी टू। कल सर से बात हुई थी ना, ही इज फीलिंग वेरी गुड। और आज बहुत 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 महीनों बाद मैं पुल अपार्ट गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी बहुत आसान सी है, इंग्रेडिएंट भी कम जाते हैं, बटर में थोड़े चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और कुटा हुआ गार्लिक, बस। मैंने तो गार्लिक कूट कर लिया है, आप काट कर भी ले सकते हो, गार्लिक का पाउडर भी ले सकते हो। अच्छी तरह से इसको एकदम क्रीमी कर लीजिए, स्प्रेडेबल जो होता है बटर, ऐसा बना लीजिए। मैंने ज़रा सा नमक भी डाला है, हालांकि ये बटर भी सॉल्टेड ही है, बट स्लाइट मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला ही है। इसके बाद मैंने ये होल व्हीट बन लिए हैं, बर्गर बन जो होते हैं वही वाले बन लिए हैं मैंने। इसके बाद है ना, इसको इस तरह से काटना है, ऑल द वे थ्रू नहीं काटना है, ऊपर ऊपर से काटिए, बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना है। इस तरह से कैविटीज़ बनाना है इसमें। मैंने इस तरह 9 कैविटीज़ बनाई हैं, आप चाहें तो 8, 4, मतलब आप जैसे चाहें वैसे काट लीजिए, मतलब तो बस पुल अपार्ट स्टाइल से इसको स्लिट लगाने से है। इसके बाद जब ये कट चुका है अच्छी तरह, तो मैं सारी कैविटीज़ में पहले बटर लाइन कर दूंगी, और बटर स्मीयर कर देने के बाद इन सभी कैविटीज़ में ना चीज़ भरूंगी मैं, और बटर सॉफ्ट हो जाए इस स्टेज पर तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे से स्मीयर कर पाएंगे। बहुत हार्ड रहेगा या ऑयली रहेगा ना, तो थोड़ा सा फिर मुश्किल पेश आती है। तो मैंने ये सारे कैविटीज़ में थोड़ा थोड़ा बटर लगा दिया है। देखिए इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है ना, इसमें बटर चीज़ वगैरह डलता ही है, आप बाहर से भी खाओगे तो इससे भी ज़्यादा वो लोग डालते हैं, एंड देन उसकी क्वालिटी का भी कुछ पता नहीं। तो कभी कभी बनाते हैं अच्छे से बनाइए, मेरा तो यही मानना है, ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते बनाइए, मैंने तो महीनों बाद बनाया है ये। बट मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जब आप कोई रेसिपी फॉलो करते हैं अच्छी तरह से बनाइए, इसका सब्स्टिट्यूट वो, उसका सब्स्टिट्यूट ये, तो फिर उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। अच्छी तरह से सारे कैविटीज़ में मैंने पहले बटर लगाया, फिर चीज़ डाला, यह है मोज़रेला प्लस चेडार चीज़, और इसके बाद ये जाएगा अवन में बेक होने के लिए। अवन को प्री हीट कर लीजिए, देन 220 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 10 मिनट्स में अच्छे से पिघल जाएगा, और ये अच्छे से मतलब बर्गर नहीं चीज़ पिघल जाएगा, ऊपर ऊपर अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, बस उतनी देर पका लीजिए। मीनवाइल मेरी चाय भी हो चुकी है तैयार, आप इसको पैन में भी बना सकते हो, पैन को ढक्कन लगा के ओवन की तरह प्रीहीट कर लीजिए और फिर ये डालकर आप सेक लीजिए पैन में, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, और इस तरह की इवन कुकिंग नहीं होती है इसलिए ओवन में करना बेहतर है, बट किया जा सकता है पैन में भी, माइक्रोवेव में भी। और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सी पुल अपार्ट ब्रेड हो गई है तैयार, और शाम के वक्त तो मैं बस क्या ही बताऊँ आपको, चाय के साथ इतनी मज़ेदार लगती है खाने में, बहुत अच्छी लगती है, आप ट्राई दीजिएगा। और ये देखिए मेरा करी प्लांट, इसके अंदर फूल आ गए हैं, वो सारी कलियों में से सफ़ेद सफ़ेद फूल निकल रहे हैं। डिनर की तैयारी कर रहे हैं, कढ़ाई में डाला है मैंने 2-1 गार्लिक और 2 प्याज काट के, हैंडफुल काजू, हैंडफुल बादाम और थोड़ा सा पानी, शाही पनीर बना रही हूँ मैं अलग स्टाइल का। इसको उबाल लीजिए 7-10 मिनट के लिए, आप गार्लिक नहीं खाते तो गार्लिक मत डालिएगा, आप काजू बादाम की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम कर सकते हो आपके हिसाब से। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उबाल लीजिए 7-10 मिनट, आपके प्याज इस वक्त तक एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद कर दीजिए गैस बंद, और ये जो लिक्विड है इसको स्ट्रेन कर लीजिए।
अब ये जो सॉलिड्स है ना छलनी में, ये हमको ठंडा करना है क्योंकि इसको पीसना है, और ये जो लिक्विड निकला है ना इसको संभाल के रखिए, इसको फेंकना नहीं है। और ये जो सॉलिड्स है इसको मैं एक प्लेट पे फैला दूंगी जिससे ये जल्दी से और अच्छे से ठंडे हो जाए। ठंडे हो जाएंगे तो इसका एक पेस्ट बनाएंगे बिना पानी डाले। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब ये जो बादाम है ना इसका छिलका मैं हटाऊंगी, ये उबाले हुए हैं, बड़े आराम से इसका छिलका हट जाएगा। इसकी जो ये चोंच जैसी जहाँ से होती है ना एकदम टिप, यहाँ से ज़रा सा तोड़ दीजिए छिलका, और उसके बाद इस तरह पुश कर दीजिए, आराम से अंदर से बादाम गिरी निकल आएगी और छिलका आप हटा दीजिए। आप चाहें तो छिलका डाल सकते हो ग्रेवी में, बट देन वो थोड़ा सा कलर को अलग कर देगी, चॉइस आपकी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे छील कर ले रही हूँ, सारी चीज़ें ठंडी हो जाने के बाद डाली ब्लेंडिंग जार में, बिना कोई लिक्विड डाले इसको एकदम ही स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। अभी इसकी बेस ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर, बे लीफ, हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, स्टार अनाइस और शाहजीरा। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भून लीजिए, बिल्कुल एक मिनट काला काला इन मसालों को आपको नहीं भूनना है। और इसके बाद जो अभी पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए और अभी इसको भूनना शुरू कीजिए। ये जो पेस्ट है इसमें काजू बादाम है इसलिए डेफिनेटली स्टिक होगी। और बुद्धि देखिए मेरी, आज ही नॉनस्टिक बर्तन नहीं लिया मैंने, जबकि ये स्टिक होने वाली है मुझे पता था, फिर भी नॉनस्टिक पैन नहीं लिया। थोड़ा भून लीजिए, डालिए इसमें लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी का पाउडर, और इसके बाद ये सारी चीज़ें मिलाकर अच्छे से भून लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो ग्रेवी है ये पीली हो जाएगी, बिल्कुल सेम ग्रेवी में आप काली मिर्च का पाउडर डालिए और हल्दी मत डालिए तो ये आपकी वाइट ग्रेवी तैयार हो जाएगी। थोड़ा भून गया है, डाला है मैंने इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, 2 चम्मच जैसा दही, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला के भून लीजिए। ये बन रही है हमारी येलो ग्रेवी, और जैसा मैं आपको बता रही थी आप हल्दी मिर्च ना डालें, काली मिर्च का पाउडर डालें और हल्दी बिल्कुल भी ना डालें तो ये आपकी वाइट ग्रेवी तैयार हो जाएगी। वाइट ग्रेवी से ज़रा सा मन उचटता है, मेरे बच्चे बिल्कुल दिल से नहीं खाते वाइट ग्रेवीज, इसलिए मैंने इसमें हल्दी मिर्ची डाली है। अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो स्टॉक था ना हमारा प्याज वाला वो, और जिस ब्लेंडिंग जार में मैंने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा पानी डालकर वो भी मैंने निकाल लिया है। मतलब कि कंसिस्टेंसी आपको यहाँ एडजस्ट करनी है, आपको कैसा कंसिस्टेंसी चाहिए थिकिया रानी उतना ही पानी ऐड कीजिए, स्वाद के हिसाब से नमक भी यहीं पर ऐड कर लीजिए। और ये जो अभी ग्रेवी है इसको अभी आपको एक उबाल लाना है, एक उबाल लाना मैंडेटरी है, सारे के सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड कीजिए 2-1 चम्मच फ्रेश क्रीम, आप घर में जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी डाल सकते हो। इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए, थोड़ा सा बॉईल जैसा आ जाएगा, अच्छी तरह सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। तो इसके बाद ऐड करना है पनीर, यह है मलाई पनीर, मैंने ट्रायंगुलर शेप में काटा है, आप इसको रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स जो चाहे वो काट सकते हो। और इसके बाद ऐड कर दीजिए आपकी ग्रेवी के अंदर, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अभी इसको पकने दीजिए 2-4 मिनट। सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह पकी हुई हैं, ग्रेवी भी पकी हुई है और पनीर को बहुत देर पकाने की ज़रूरत होती नहीं, तो अप टू 4-5 मिनट्स इज़ इनफ। ढक्कन लगा के पका लीजिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए एक अमेजिंग सा मटर पुलाव। घी लिया है मैंने और घी में डाला है जीरा, जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो ऐड करेंगे इसके अंदर मटर, ये फ्रेश मटर है, मटर ऐड किया है, थोड़ा नमक ऐड किया है, और ये जो मटर है इनको अभी अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 2 मिनट, 3-4 मिनट भी आप भून सकते हो बट 2 मिनट ज़रूर भूनिएगा। ऐड कीजिए इसके अंदर पानी और अभी ये जो मटर है इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से ये उबल जाएगा। ऐड करें इसमें चुटकी भर हल्दी, बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर ऐड कीजिए आपकी राइस, यह है बासमती राइस, प्री सोक्ड है 1/2 घंटा, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और फिर इसके अंदर डालिए पानी। यूजुअली अच्छी तरह सोक किए हुए बासमती चावल में 1 कप के सामने 1.5 कप पानी जाता है, बट आपके चावल को आप बेहतर समझते हैं तो उस हिसाब से पानी डालकर इसे पका लीजिए। मीनवाइल मेरा जो पनीर है ये चुका है रेडी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्रीमी, बहुत माइल्ड, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी ये पनीर बनता है, गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे राइस भी हो चुके थे तैयार, इसे स्टैंडिंग टाइम देने के बाद मैंने इसको कर लेना है ज़रा सा फ्लफ, एंड लुक एट दिस, ये पुलाव अपने आप में इतना जायकेदार है कि आपको इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रायता और अचार विल डू, बट इस पनीर की सब्जी के साथ बना के देखिएगा, एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आपको आने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये कॉम्बिनेशन है, ट्राई दीजिएगा। वैसे भी वीकेंड आ चुका है, आप स्पेशल खाना बनाओगे ये तो मुझे पक्का यकीन है।
और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड।